अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे देसी करी। इससे पहले हमने अपने चैनल पे क्रीमी करी डाली हुई है, तो आप मेरी लिंक में जाकर देखें कि उसे भी हमने बहुत टेस्टी बनाया है। तो आज हम बनाते हैं देसी करी। ये उसी करी की तरह है, बस ये थोड़ा कुछ उससे अलग है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं देसी करी। देसी करी बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम खट्टा दही। दही जब खट्टा होगा तभी करी का टेस्ट अच्छा आएगा। और हमने लिया है इसमें 100 ग्राम चने का बेसन। तो दही और बेसन से हम करी का घोल बनाएंगे। इसके अलावा हमने लिया है करी को भगाने के लिए 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, 1 टी स्पून हमने लिया है पिसी धनिया का पाउडर, 1 टी स्पून अपना होममेड गरम मसाला, 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टी स्पून नमक, और लिया है हमने 1.5 टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 टी स्पून हल्दी पाउडर, और 1 बड़े साइज की प्याज को बारीक काट कर हमने चॉप करके रख लिया था। इसके अलावा हमने लिया है पकोड़े बनाने के लिए 150 ग्राम बेसन, 1/2 टी स्पून हल्दी, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और तकरीबन 1 टी स्पून नमक। आप नमक पकोड़े बनाने के लिए अब अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बघार के लिए हमने लिया है 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, 8 से 10 लीफ करी पत्ते की, 1 टी स्पून जीरा, खड़ा जीरा, और 4 खड़ी लाल मिर्च। सबसे पहले हम करी का घोल बनाने के लिए बेसन को लेते हैं और उसको एक बड़े बाउल में हमने ये पलट दिया। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसका एक पतला घोल बना लें। बेसन का घोल हमने रेडी कर लिया है, इसको हमें पतला रखना है, इसलिए हम इसमें 1 गिलास पानी और डाल देते हैं। बेसन का घोल और दही का घोल रेडी है। अब हम मसाले के बघार के लिए पैन को गैस पर रख देते हैं। पैन गर्म हो चुका है, हम इसमें ये 1 टेबल स्पून जो हमने मस्टर्ड ऑयल लिया था वो हम इसमें डाल देते हैं। अब तेल के गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें अब हम ये कटी हुई प्याज डाल देते हैं। प्याज हल्की फ्राई हो गई है, अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो ये हमने डाला इसमें हल्दी पाउडर, ये हमने डाला इसमें लाल मिर्च पाउडर, ये पिसी धनिया का पाउडर, और ये गया गरम मसाला, और यहीं पे ये जाएगा नमक, और साथ ही ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें अब डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा पानी इसमें डाल के हम ये डाल देंगे इस तरीके से, और हम यहीं पे 1/2 गिलास पानी डाल देंगे ताकि मसाले सारे अच्छे से घुल जाएं। अब हम मसाले को ढक्कन को बंद करके धीमी आंच पे तकरीबन 15 मिनट भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें दही और बेसन का घोल डालेंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम मसाले को चेक कर रहे हैं। ये देखिए मसाला बहुत अच्छा भुन गया है। मसाला अच्छा भुनेगा तो आपकी कढ़ी में एकदम मसाले की महक नहीं आएगी। अब हम इसके अंदर जो हमने ये बेसन का घोल बनाया था, ये देखिए इसको हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल के और ऐड कर दें इसको, क्योंकि घोल को तो हमें पतला ही रखना है और लगातार हाथ को चलाते रहना है जब तक जो है इसमें एक उबाल ना आ जाए। और इसमें हम यहीं पे डालेंगे ये दही। ये दही को भी हमने फेंट के रखा हुआ था, इसमें भी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इस तरीके से ये पूरा दही बेसन सारे मसालों के साथ इसमें मिक्स हो गया। अब हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। इसमें हम ये देखिए ये एक बड़ा बाउल पानी हमने भर के लिया है और इसको हम डालेंगे इसमें, ताकि कढ़ी का घोल जितना पतला रहेगा जब ये पक्के पूरा जितना ये घोल हमने तैयार किया है ये पकते पकते आधा हो जाएगा, तब आपकी कढ़ी समझ लीजिए परफेक्ट आएगी। अब हम इसे तकरीबन 1 घंटे तक पकाते रहेंगे। इसमें बीच में हम अपना हाथ रोकेंगे भी, लेकिन जब तक इसमें एक खोल नहीं आता हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। फिर इसे हम गैस की धीमी आंच पे तकरीबन 1 घंटा पूरा पकाएंगे, तब हमारी कढ़ी परफेक्ट होगी। कढ़ी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, अब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देते हैं। आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जब कढ़ी आपकी उबाल एक आए तो आपको उसको गाढ़ापन देख के समझ में आ जाएगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है कि नहीं। अगर आपने पानी का घोल ज़्यादा रखा होगा तो ये गाढ़ा घोल नहीं होगा। हमको थोड़ा सा अपना गाढ़ा लग रहा है, इसलिए हम इसमें 1 गिलास पानी और डाल देंगे। अब हम जैसा हमने पहले बताया था तकरीबन 1.5 घंटे तक अब हम इसे
तकरीबन एक घंटा तो पकाना ही है, पौन घंटा मान के चलिए। इसको हम धीमी फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। ढक्कन को आप बंद मत कीजिएगा, इसको खुला ही पकाइएगा। अगर आपका बर्तन छोटा हुआ तो कढ़ी उबाल आएगा, ये बह सकती है, इसलिए आप इसे खोलकर ही पकाइए। 45 मिनट के करीब हो चुके हैं, कढ़ी बहुत देर हो गई है पकते पकते, और ये देखिए अब ये बहुत अच्छी कढ़ी बनी है, गाढ़ी हो गई है, इसमें से किसी भी मसालों की महक नहीं आ रही है। अब ये देखिए ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, आधा गिलास। अब आधा गिलास पानी डालने के बाद हमने इसको चला दिया है, उसके बाद अब हम इसको में जब तक एक खौल आता है तब तक हम पकौड़ा डालने के लिए बेसन को फेंट लेते हैं। पकौड़ा बनाने के लिए हमने ये एक बड़ा प्याला लिया है, इसमें हमने ये बेसन पलट दिया और इसी में हम डालेंगे नमक, हल्दी, मिर्चा जो हमने पकौड़े बनाने के लिए आपको दिखाया था। अब तीनों चीज़ डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक मोटा बैटर तैयार करेंगे जिससे पकौड़ा डल सके। अब हम इसको फेंट लेंगे, तकरीबन 10 मिनट हम इसको फेंटेंगे ताकि इसके पकौड़े जो बने वो सॉफ्ट हो। बैटर रेडी हो गया है, ये देखिए कटोरी में हमने पानी लिया था, उसमें ये हमने डाला ये थोड़ा सा बेसन, ये देखिए इस तरीके से ये ऊपर आ गया है, इसका मतलब पकौड़ियाँ अब आपकी सॉफ्ट होंगी। अब हम गैस पे दूसरे पैन को रख देते हैं ताकि पकौड़ी तलने के लिए वो गर्म हो जाए, और कढ़ी को हम चेक करते हैं कि कढ़ी में एक खौल आया है कि नहीं। कढ़ी में खौल आ चुका है, ये देखिए कढ़ी हमने इतनी गाढ़ी रखी है। आप अपने हिसाब से पानी बाद में ऐड कीजिएगा, लेकिन कढ़ी गाढ़ी ही होनी चाहिए। और नमक आप चेक कर लीजिएगा, इसमें हमने नमक चेक किया है, नमक परफेक्ट है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और अब हम दूसरा पैन पकौड़े तलने के लिए चढ़ा देते हैं। पैन हमने गैस पर रख दिया था, वो गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालेंगे बस, ताकि हमारी इसमें पकौड़ियाँ जो हैं फ्राई हो सके। अब जैसे ही ये तेल गर्म होगा हम इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे। पकौड़ियाँ देखिए कितनी फूल रही हैं, अगर आपका बेसन अच्छा फिटा होगा तो इसी तरीके से डमरू की तरह आपकी पकौड़ियाँ आएंगी। अब हम सारी पकौड़ियाँ हमने पलट ली हैं, अब ये दूसरे साइड से भी हो जाए, हमें इसे बहुत डीप फ्राई नहीं करना है। तो फिर हम इसको निकाल के दूसरा थोड़ी सी बैटर बचा हुआ है तो उसकी भी पकौड़ियाँ डाल लेते हैं। हमने सारी पकौड़ियों को इसकी निकाल लिया है, अब थोड़ी सी और बची हैं उनको भी हम डाल दें, फिर इन सबको हम पानी में डालेंगे। इसके भी जैसे ही ये फ्राई होगी तो हम आपको दिखाते हैं। पकौड़ी फ्राई हो चुकी हैं, अब हम गैस बंद कर दी हमने, हम इन सबको निकाल के अब पानी में हम इसको डालेंगे। इन सारी पकौड़ियों को हमने एक बाउल में पानी लिया था और तकरीबन 7 से 8 मिनट हम इनको इसमें भीगा रहने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, पकौड़ियाँ इसके अंदर डाल देंगे, पानी में हमें ज़्यादा नहीं भिगोना है। जब पकौड़ी सॉफ्ट रहे तो आप इसे थोड़ा कम टाइम दीजिएगा। इस तरीके से सबको हम डाल देंगे पानी में। सारी पकौड़ियों को अब हमने इसमें डाल दिया है, अब हम कढ़ी के बघार के लिए तड़का पैन को गैस पर रख देते हैं। तड़का पैन गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये मस्टर्ड ऑयल 1 टेबल स्पून डाल देंगे और ये गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें बाकी के सामान डालेंगे। दूसरी तरफ गैस पे हमने कढ़ी को गर्म होने के लिए रख दिया है, अब हम इसमें जैसे ही बघार हो जाता है हम इसमें डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, उसमें ये हम लाल मिर्च तोड़ के हमने डाल दी, फिर हमने इसमें डाला ये करी पत्ता और फिर ये जीरा। बघार हो गया, हम गैस को बंद करके इसे कढ़ी में डाल देते हैं। अब हम बघार को कढ़ी में डाल देते हैं। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। देसी करी रेडी है, ये बहुत टेस्टी बनी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं, और इसको आप सादी चपाती और सादे चावल के साथ खाएं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।